नमस्कार, पीके वी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आज हम आपको बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित बहुत ही ज़बरदस्त अप टू डेट लेकर आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में बता दें कि सीटेट दिसंबर वाले ने बिहार शिक्षक बहाली के लिए पटना हाईकोर्ट में केस किया था, जिसमें पटना हाईकोर्ट के द्वारा आज फैसला दिया गया कि वो भी नियोजन में शामिल होंगे और जब तक कि बहाली पर स्टे लगने जा रहा है। बहाली पर स्टे लगेगी, आप चैनल पर समाचार में भी देख सकते हैं कि 4 सितंबर 2020 तक नियोजन पर लगाई गई रोक, 4 सितंबर तक बहाली पर रोक लग रही है। इसी बीच खबरों के मुताबिक खबर निकल कर आई सूत्रों के मुताबिक खबर निकल कर आ रही है कि डॉक्टर रंजीत सर ने क्या बताए हैं, वह भी रिपोर्ट इस वीडियो में। एक तरफ पटना हाईकोर्ट ने बिहार शिक्षक बहाली पर 4 सितंबर तक स्टे लगाया गया है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर रंजीत सर का कहना है कि नियोजन की प्रक्रिया ससमय पूरा होगी। बी पॉजिटिव यानी कह रहे हैं, पॉजिटिव सोचिए कि नियोजन की प्रक्रिया ससमय पूरा होगी। और उन्होंने शिक्षक नियोजन नीति प्रखंड स्तर पर 2 BRP की प्रतिनियुक्ति भी कर दी है और बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर वह 9 बजे आज सबकी डिमांड पर लाइव आ रहे हैं। आज डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS ऑफिसर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, वह आप सबकी डिमांड पर 9 बजे PM लाइव आ रहा हूँ। वो अपने फेसबुक ID पर लिखे हैं 2 घंटा पहले, तो आप लोग 9 बजे अपनी बातों को सीटेट दिसंबर वाले, सीटेट जुलाई वाले, जिनको जो बात रखनी है जो ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी बात को रखें। डॉक्टर रंजीत सर 9 बजे आ रहे हैं। क्या होगा मामला, सीटेट दिसंबर को मौका मिलेगा या बहाली को रोक लगेगी या सिर्फ जुलाई को ही मौका मिलेगा, सारी जानकारी 9 बजे आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।